सिगरेट दुबई में होती तो पूरा दुबई पीती। आए करते ब्लॉग में आ रहा है। एक ये देखो कपल गोल जा रहा है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो डिजाइन क्या हुआ। ब्लॉग में आने वाले हो मेरे। मेरा चैनल का नाम है पुष्पेंद्र कुमार केटीएम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और ये ब्लॉग मैं मॉर्निंग में शूट कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं। मुझे थोड़ा कुछ काम था तहसील में, तो मैं तहसील में घूमने के लिए जा रहा हूँ और रास्ते में चलते हैं, करते हैं आपसे कुछ बातें। इस समय मैं अभी हाईवे पर आया हुआ हूँ। ये कुछ बाइकें जा रही हैं जैसा कि आप देख रहे हो। हल्की धूप हो रही है और ये अपने भाई है जैसा कि आप देख पा रहे होगे। तो चलते हैं और करते हैं रास्ते में आपसे कुछ बातें। चलो फिर चलते हैं। बैठो राहुल भाई बैठो। अभी हम करते हैं बाइक को स्टार्ट। सीबीजेड, ये काफ़ी पुरानी बाइक है। एक ये बाइक मेरे पास भी है, सीबीजेड 2009 मॉडल है। और आगे एक ब्रिज पड़ेगा, आप देखना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। अभी मैं चल रहा हूँ 6th गियर में 59। पता नहीं चलता इस बाइक पर तो 50 की 60 की स्पीड तो पता नहीं चलता कि कब पहुँच गए। देखो गाइस ब्रिज देखो, इसका स्ट्रक्चर देखो डिज़ाइन क्या हुआ। ये स्पेशल इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है ये स्ट्रक्चर। इधर ये रिवर है इनसाइड। और मौसम की बात करें तो सर्दी आने वाली है, तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती है। अभी थोड़ा नवंबर का मंथ स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। क्या बात है, स्प्लेंडर वाले बहुत तेज चल रहे हैं। स्प्लेंडर वाले भाई सोच रहे हैं कि हम थोड़े कम थोड़े ना हैं किसी से। और अपनी बाइक यहाँ पर चल रही है 4th गियर में 42। एक ये देखो कपल गोल जा रहा है। देखो गाइस देख रहे होगे आप। अभी करते हैं ओवरटेक। देख रहे हो गाइस कितनी ठंड पड़ रही है। सिगरेट दुबई में होती तो पूरा दुबई पीती। देख रहे हो गाइस। तो तहसील में मुझे कुछ काम था तो इस वजह से मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। दिखाते हैं अपनी तहसील कैसी है यहाँ की। इस बाइक से तो पता नहीं चलता है कि 100 जो है कब टच हो जाती है। 100 की स्पीड पे पहुँचने में से 6 या 7 सेकंड लगते हैं आई थिंक। आज कोई रेस लगाने वाला नहीं मिल रहा मुझे यार। कल तो मेरी फॉर्चुनर से रेस हो गई थी। फॉर्चुनर KTM वर्सेस फॉर्चुनर से रेस हो गई थी गाइस कल। तो आज कोई रेस करने वाला नहीं मिल रहा मुझे। अभी मज़ा आता है जब कोई रेस लगाता है। अभी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। पीछे देखूँ शायद कोई आ रहा होगा। कोई नहीं आ रहा है, मैं देख ही नहीं रहा पीछे। और यहाँ पर ये कॉलेज है, ये साइड में देख रहे होगे येलो। ये कॉलेज है यहाँ पर। बाइक को चलाने का मज़ा भगाने का हाईवे पर ही है। तो मेरी बाइक की टॉप स्पीड है 142। अभी मैंने इसे 142 टच नहीं किया है, मैंने इसकी टॉप स्पीड 137 तक मैंने इसे पहुंचा दी है। और वो तो आपने देख ही लिया होगा ये फर्स्ट गियर में कितनी जाती है, सेकंड गियर में, थर्ड गियर में। और कल तो मैंने कल वाली ब्लॉग वीडियो में मैंने ये भी दिखा दिया आपको, 4th और 5th गियर भी दिखा दिया। और क्या 6th गियर में इसका लिमिटर आते ही नहीं है, आपको पता ही होगा। आपने बहुत वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर KTM की, जिसमें आपने देखा होगा कि KTM की टॉप स्पीड कितनी है, कितने गियर में कितनी जाती है, कितना किलोमीटर टच करती है। इसका साउंड से मुझे प्यार हो गया है। इसके साइलेंसर का साउंड, इसका इंटरवली एग्जॉस्ट है अभी तो। देख रहे हो गाइस साउंड, थर्ड गियर
साउंड चेक कीजिएगा, मजा आ रहा होगा अलग ही आपको। अरे लौंडे बहुत देख रहे हैं, क्या बात। अभी हम अंदर सिटी में आ गए हैं, बस थोड़ी ही दूर और है, 2-3 किलोमीटर होगा अप्रॉक्स, पहुंचने वाले हैं। हम आ गए हैं तहसील में, ये तहसील है। यहाँ पर हम बाइक को लगाते हैं साइड में, यहाँ पर हम अपनी बाइक लगाते हैं स्टैंड पर। ये आ गए हम तहसील और सामने आप देख रहे हो टेंप बना हुआ है। तो फाइनली गाइस हम तहसील पहुँच गए। तो गाइस इस समय हम आए हुए हैं तहसील में, देख रहे होंगे आप, ये अपने टिंकू भाई है, ये अपनी तहसील है। यहाँ पर ये क्लाइंट्स बैठे हुए हैं इनके, देख रहे होंगे आप, ये कुछ बाइक लगा दी हैं यहाँ पर खड़ी पड़ी हैं। और ये तहसील का सेकंड गेट ये है, देख रहे होंगे आप। काय करते हैं, ब्लॉग में आ रहा है। ओ छोटू, ओए इधर देख, कहाँ देख रहा है भाई, अरे जल्दी में है, जल्दी में लग रहा है, ये कमांडो हो रहा है, प्यारा कमांडो। तहसील से हमारा काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर को, शाम होने वाली है, आज का पूरा दिन इसी में चला गया मेरा। तहसील के काम ही ऐसे होते हैं। आज का अल्टो वाले से रेस करें क्या, अल्टो 800 और हमारी KTM है RC 200। आराम से चलते हैं, मस्त मौला हो गया मज़े में। KTM की सुपर ड्यूक 1290 वाली सुपर ड्यूक जो है गाइस, उसने H2R को भी ड्रैग रेस में पीछे छोड़ दिया। ब्लॉग में आने वाले हो मेरे, ठीक है, मेरा चैनल का नाम है पुष्पेंद्र कुमार KTM, आप देख लेना, कल को डालूंगा ब्लॉग। ये आपकी शॉप है, किस नाम से आपकी शॉप, नाम बताओ अपनी दुकान का। समक्ष किराना स्टोर। तो ये भैया की दुकान है यहाँ पर ननेटा फाटक पर, आप देख रहे होगे, जो भी कुछ ख़रीदना हो भैया से लें आकर, ये बढ़िया रेट में लगाते हैं सामान। तो गाइस अभी एक भैया मिले थे शॉप वाले, तो वो बोल रहे थे कि यार हमें भी ब्लॉग में ले लो। मैंने क्यों नहीं भाई, आपको ज़रूर लेते हैं। बोल रहे थे कोई पैसे थोड़े नहीं है इसके वीडियो में आने के लिए। मैंने बोला कोई पैसे नहीं है इसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बोले मैं ब्लॉग में आऊँगा। मैंने पक्का, आप चेक करना, मेरा चैनल का नाम है पुष्पेंद्र कुमार KTM, आप ब्लॉग में ज़रूर आओगे। तो बोले कब आऊँगा, आज। अरे मैंने भैया अभी कैसे आ जाओगे, रात में वीडियो एडिट करूँगा तब जाकर आओगे ना। तो बोले ठीक है, मैंने उनसे बोला कमेंट कर देना मुझे, मैं पहचान लूँगा आपको। तो भैया की शॉप थी, तो उनकी दुकान पर से आप जाके किराना स्टोर से घर के जितने भी सामान होते हैं वो आप ले सकते हो, वो आपको अच्छे रेट में लगाएंगे। भैया की दुकान का नाम था समक्ष किराना स्टोर। और गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और गाइस अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, जल्दी 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। गाइस काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि मेरे 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय।